हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. यू आर वॉचिंग जेई लाइव डेली और आज हमारा बच्चों स्ट्रेट लाइंस का आखिरी लेक्चर है. ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ स्ट्रेट लाइंस. बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर और लास्ट जो बच्चों मैं आपके साथ कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस. ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे. अब ये चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि आगे जाके जब हम सर्कल्स और यहाँ पर कोनिक सेक्शंस पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन कि यहां पर आज हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. कई जगहों पर हो सकता है टॉपिक डायरेक्टली डिस्कस नहीं होता होगा लेकिन बातों बातों में टीचर्स इसको डिस्कशन में ले आते हैं और उसको डिस्कस भी करते हैं, मुझे पता है. ठीक है, ऑलराइट. तो ओके, तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने बाइसेक्टर्स का डिस्कशन अच्छे से किया था, है ना. उसके कुछ दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं वो मुझे, क्योंकि उसके अंदर हमें डायरेक्टली ये दिखाई नहीं दे रहा होता है कि इसके अंदर बाइसेक्टर का कंसेप्ट लग सकता है लेकिन वही कंसेप्ट वहां पर लग रहा होता है. ठीक है, ऑलराइट. तो वो सारी चीजें बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. और बच्चों यहां पर जो हमारी टीम है, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मेरी, हम यहां पर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पाए थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम अनअकैडमी जेई. ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है बच्चों आपके लिए, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो, हमारे साथ रेगुलर क्लासेस ले सकते हो फ्रॉम 7 to 10. ठीक है, 7 बजे फिजिक्स, 8 बजे केमिस्ट्री और 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है आपकी, जैसे कि अभी आपने क्लास में एंटर किया है और हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो बच्चों अगर आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली हमसे जो नोट्स हमारे लेना चाहते हो या फिर कोई एक डेली मोटिवेशनल आपको की आपको लगता है कि जरूरत है मोटिवेशन की क्योंकि आपका टारगेट जो है बहुत बड़ा है. ठीक है, अगर आपको कोई ना कोई अपडेट चाहिए रेगुलरली देन यू शुड कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम ऐप. इस ऐप के ऊपर हमारा एक एजुकेशन ग्रुप है. ठीक है, उस पर ऑलरेडी 15-16 हज़ार बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. क्या करना होगा आपको, अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर उसके बाद अपने ब्राउज़र में जाकर, ठीक है, आपके पास ब्राउज़र हो सकता है क्रोम हो सकता है आपके पास में सफारी हो, इट डजेंट मैटर, अपने ब्राउजर में जाके आपको ये लिंक लिखना है tinyurl.com/jeelivechat. ठीक है, इसको लिखते ही आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको एक अंदर घुसने का मौका मिलेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप में. ठीक है, सो डू ज्वाइन दिस ग्रुप ताकि आप और ज़्यादा हमारे साथ कनेक्टेड रह सको. बच्चों अगर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर लगता है कि कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ बातें और हमारे साथ आप करना चाहते हो, जैसे कि डाउट डिस्कशन, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिनको लगता है कि अगर हम डाउट डिस्कशन कर पाएंगे टीचर्स के साथ में तो हमारा लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होगा. ठीक है, सो दैट फैसिलिटी इज एंटायरली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस बच्चों आपकी प्रिपरेशन को सेकंड लेवल पे ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है. ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है इसलिए इसके अंदर चीजें बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई हैं जैसा एक्चुअली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, यहां पर भी क्लासेस लाइव होती हैं, जैसे हम यहाँ पर लाइव पढ़ रहे हैं. आई कैन सी सम स्टूडेंट्स राइटिंग हियर कि अमित बोल रहा है सर बायनोमियल थ्योरम नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए. ऑलराइट, सो उस तरीके से बच्चों वहाँ पर भी आप मेरे साथ चैट कर सकते हो लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा है कि चैट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. ठीक है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन चैट उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. वहाँ पर पर्सनलाइज फील आपको ज़्यादा आएगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है दैट गिव्स यू एन एडिशनल एज ओवर अदर जो यहां पर अभी से टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपको यहां पर टेस्ट देना स्टार्ट करना है तभी आप एंड तक आते आते उस लेवल तक पहुंचोगे जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा टेस्ट से. ठीक है, यू शुड गेट टू अ लेवल जहां पर टेस्ट है कोई बात नहीं, टेस्ट तो हम बचपन से देते आए, ऐसी हमें फील आनी चाहिए. ठीक है, जस्ट लाइक कैलकुलेटिंग 2+2=4, इतना आसान आपको सब कुछ लगना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, सो वो कब होगा जब आप बहुत सारे टेस्ट दोगे एंड दैट एक्चुअली हैपन्स ऑन अनअकैडमी प्लस. ठीक है, आपके रेगुलरली यहाँ पर टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आपके टॉपिक्स का रिविजन भी अच्छे से हो पाए प्लस आपका यहाँ पर एनालिसिस निकल के आए कि यहाँ पर आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाउट डिस्कशन सेशन जो बच्चों यहाँ पर हो रहे हैं जिसके अंदर बच्चे यहाँ पर अपने डाउट्स डायरेक्टली फोटो के थ्रू अपलोड करते हैं, दैट इज अ ब्रिलियंट फीचर. यहां पर आपको वो फीचर डेफिनेटली यूज करके मजा आएगा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो. ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है देन इन दैट केस यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब वंस. यहां पर जो भी अंदर आने वाली चीजें हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया, डाउट डिस्कशन हो गया, अलग अलग टीचर्स के क्लासेस हो गए, आपको हर एक टीचर के लिए अलग से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब वंस ताकि आपको बस एंट्री मिल जाए अनअकैडमी प्लस में. ठीक है, और ये जो बच्चों में सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं उसके लिए आपको पेमेंट तो करना होता है.
ठीक है, लेकिन वो काफ़ी अफोर्डेबल है। आई गेस इसका जो कॉस्ट निकल के आता है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज समथिंग अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर डे, ठीक है, विच इज़ क्वाइट लेस एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, नॉट जस्ट वन टीचर या फिर वन सब्जेक्ट, मल्टीपल टीचर्स के थ्रू आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो यहाँ पर, दैट इज एडेड बेनिफिट, ठीक है। ऑल राइट, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल में आपको केवल अनअकैडमीज लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप जब ऐप में एंटर करोगे तो आपको प्लस वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। प्लस वाले सेक्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस आपको किसकी लेनी है, आईआईटी जेई की लेनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आईआईटी जेई वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको आजकल एक नया ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, ठीक है, पहले ये ऑप्शन नहीं था आपके पास में। तो आपको क्या ऑप्शन दिखाई देगा बच्चों, अनलॉक 7-डे ट्रायल वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके थ्रू आप एक्चुअली सारे कोर्सेस अवेल कर सकते हो। अर्लियर देयर वॉज जस्ट वन वे to avail free classes, that was through special classes. लेकिन special classes का flow उतना consistent maintain करना difficult होता है teachers के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप regular courses में enter करके teachers क्या पढ़ा रहे हैं वो देख पाओगे, तो आपको कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। So that is what this feature is. लेकिन ये feature बच्चों आपको Android mobile phones पर ही available है। So do first log in through your Android mobile phone and then avail this particular feature, ठीक है। 7 दिन के लिए आप यहाँ पर देखो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कौन से teachers पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर पढ़ के, ताकि आप जब आगे चलकर सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो आपको यहां पर कोई दिक्कत या फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर एज टीचर्स एंड एज प्लेटफॉर्म कि आपको यहां पर चीजें पसंद ही आएंगी पक्के से, ठीक है। अगर आप यहां पर 7 दिन तक रहते हो तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा दैट वुड बी टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब अगर करोगे देन इन दैट केस आपके उसमें 6, 12 और 24 महीने के ऑप्शन हैं। तीनों ही आपके ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक है, तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले सकते हो। अगर आप यूज़ करते हो जेई लाइव कोड, यू विल एडिशनली गेट 10% डिस्काउंट, तो ये वाला कोड याद रखना, ठीक है। अननेसेसरी यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो विदाउट कोड भी लॉगिन कर देते हैं और पे करते हैं, वो देख के काफ़ी बुरा लगता है हमें, क्योंकि ये कोड हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। सो व्हाई वेस्ट सम ऑफ योर मनी, है ना, वी कुड हैव यूज्ड इट समवेयर एल्स। यहाँ पर इट इज़ ओके टू यूज़ जेई लाइव, ताकि आपको यहां पर 10% डिस्काउंट मिले जो भी आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उसके ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन वी कैन स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। और हमेशा हमारा लेक्चर कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, होमवर्क डिस्कशन से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट क्लास में जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे बच्चों ने आंसर तो दिए हैं, ठीक है। जो मेन्स वाला क्वेश्चन मैंने दिया था उसके बच्चों ने ज्यादा आंसर दिए हैं, पहले वाले क्वेश्चन के थोड़े कम आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं, ठीक है। हैप्पी गणेश चतुर्थी, यस आशा सेम टू ऑल ऑफ यू गाइज, है ना, आज गणेश चतुर्थी है और बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ पर। तो हमारा जो गणपति का उत्सव है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन हम मांगते हैं भगवान से वो क्या मांगते हैं, ठीक है, सद्बुद्धि ही मांगते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा करके हेल्प करने वाली, ठीक है। तो थोड़ा टाइम आपने डेफिनेटली प्रेयर्स में भी स्पेंड करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, ठीक है। तो पढ़ाई करते समय आपको 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, ठीक है। एक तो बिलीव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप अगर बिलीव करते हो कि आपकी आईआईटी क्लियर हो सकती है, अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी एनआईटी में एडमिशन हो सकती है, ठीक है, देन दोज बिलीव्स नीड सम प्रैक्टिस, ठीक है। सो वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट बिलीविंग इन सम गॉड, है ना, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मानते होंगे भगवान को, ठीक है। जो नहीं मानते उनको भी यहाँ पर एटलीस्ट किसी एक सुपर पावर को तो मानना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एक बिलीफ आता है, एक फेथ आता है, और उसी के दम पर आपकी यहाँ पर आगे वाली लाइफ जो है थोड़ी अच्छे से बीतती है, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन जो बच्चों मैंने आपको दिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका अप्रोच एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई गिव दिस क्वेश्चन टू यू। यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग ए 4, -1 एज ए वर्टेक्स। आपको एक ट्राइंगल बीसी, ट्राइंगल एबीसी का बीसी का इक्वेशन निकाल के बताना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको प्लॉट करके देखते हैं कैसे दिखाई देगा ये। आपका ट्राइंगल एबीसी ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, और आपको बीसी लाइन का, बीसी लाइन सेगमेंट का, बीसी साइड का इक्वेशन निकाल के बताना है, ठीक है। ऑलराइट, देन यहां पर आपके पास में जो अवेलेबल डेटा है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास ए का कोऑर्डिनेट है 4, -1, और साथ ही साथ आपके पास में क्या है, क्या दिया है यहां पर, x-1 = 0 एंड x-y-1 = 0 बीइंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। यहां पर आपको एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो बनाना भी पड़ेगा फिर तो इसको। तो b का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और c का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब ये डेटा जो है ये स्ट्रेट अवे देखकर तो यहां पर आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि यहां पर सफिशिएंट डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन तब भी यहां पर ध्यान से सोचो,
हमारे पास जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा सिंपल वाला फिगर मैं आपको बना के बताता हूँ। आपके पास में दो लाइन्स हैं और आपके पास में ये बीच वाला एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पहले वाले लाइन के ऊपर L1 के ऊपर कोई एक पॉइंट अगर लेते हो, ठीक है, और L2 में सॉरी बाइसेक्टर में उसका इमेज निकालते हो, तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको निकल के आता है बच्चों। अगर आप बाइसेक्टर में पॉइंट P का इमेज निकालोगे जो लाइन 1 पे लाई कर रहा है, देन इन दैट केस जो उसका इमेज निकल के आएगा Q, वो लाइन 2 पे लाई करने वाला होगा। ये मेन कंसेप्ट बच्चों आपको यूज करना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे JEE एडवांस एस्पिरेंट नाम से एक बच्चा है जो बोल रहा है इमेज ऑफ पॉइंट है सर फाइंड करो, बहुत ही बढ़िया बात है। प्रणव बोल रहा है वेरी सिंपल, येस आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये सिंपल है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता है तो। कौन था बच्चा? प्रणव, ऑल राइट, प्रणव को लगता है यहाँ पे कंसेप्ट पता है। जल्दी से देखो यहाँ पर क्या ये ट्रू बात कर रहा हूँ क्या मैं, क्या यहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे के इमेज होना चाहिए? तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है इसलिए दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर आपके पास, ये बीच वाला साइड जो है ये कॉमन है, बीच वाला, यहाँ पर अगर मैं इसको ओ बोलूँ, इसको लेटेस्ट से मैं कुछ आर नाम देता हूँ, तो ओ आर जो बीच वाला साइड है ऊपर वाले ट्राइंगल का, नीचे वाला साइड ट्राइंगल का, वो आपका इक्वल साइड है क्योंकि कॉमन साइड है, और 90 डिग्री तो ऊपर नीचे है ही, मतलब यहाँ पर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी अगर यहाँ पर लग रही है तो आपका पी आर का लेंथ और क्यू आर का लेंथ बराबर होना चाहिए, और अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो यहाँ पर इमेज वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही होना चाहिए। समझे? यहाँ पर इमेज वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। L1 के ऊपर लाए करने वाले किसी भी पॉइंट का इमेज L2 के ऊपर ही आएगा अगर मैं इमेज किस में निकाल रहा हूँ, उनके बाइसेक्टर्स में इमेज निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से आ जाओ, अब आओ यहाँ पे, अब सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पर A का इमेज निकालता हूँ इस B वाले बाइसेक्टर में, B वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, x-1 = 0, तो वो इमेज किसके ऊपर लाए करना चाहिए, दूसरी लाइन के ऊपर लाए करना चाहिए, ठीक है। तो ए का एक इमेज आ गया मेरे पास, ए वन लेटर से नाम देते हैं उसको, और वैसे ही मेरे पास एक और बाइसेक्टर है, इस बार ये दोनों लाइन से मेरे पास, एक बार ए सी लाइन और बी सी लाइन को देखो, यहां पर आपके पास जो बाइसेक्टर है उसमें अगर आप इमेज निकालोगे, देन इन दैट केस आपके पास जो इमेज का कोऑर्डिनेट आएगा वो दूसरी लाइन के ऊपर आएगा। तो यहां पर आपके पास ए वन और ए टू दो पॉइंट आएंगे जो दोनों बी सी के ऊपर लाए करने वाले पॉइंट होंगे। समझ रहे हो बात? यहां पर आपके पास में BC के ऊपर लाए करने वाले पॉइंट्स दिखे कि नहीं दिखे? बिल्कुल दिखे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की इक्वेशन लिख दूं तो क्या मेरे पास एक्चुअली BC का इक्वेशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई दैट, लेट अस रिमूव दिस एक्स्ट्रा फिगर एंड लेट अस स्टार्ट विद अवर कैलकुलेशंस, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। मेरे पास अब इमेज का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, तो मैं अब यहां पर पहले A1 कैलकुलेट करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो A1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, इसका ऐसा कुछ आने वाला था, तो A1 के कैलकुलेशन में मैं किसका यूज करूंगा, मैं बाइसेक्टर x माइनस वन का यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स वन मतलब किसका इमेज निकाल रहे हैं, 4 का, x माइनस एक्स वन अपॉन a, a मतलब क्या है, लाइन जो है आपकी इमेज निकालने वाली उसका x का कोएफिशिएंट कितना है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, लेकिन यहां पर b है ही नहीं, मतलब 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 + by1 + c। हम क्या करेंगे, 4 और माइनस 1 इसके अंदर डालेंगे, तो माइनस 1 डालने की जगह ही नहीं है, क्या डालने की जगह है, केवल 4 डालने की जगह है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 डालेंगे अगर यहां पर तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना आता है, a2 + b2, अब इसके अंदर केवल a2 ही है, a2 का वैल्यू कितना है यहां पे, 1 है, ठीक है। ऑल राइट, तो इस तरीके से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास यहां पर x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, जरा देखो यहां पे इन दोनों को करो कंपेयर, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा -2, और अगर आप यहां पर y निकालने की कोशिश करोगे तो उसका क्या होगा, अगर आप यहां पर y निकालने की कोशिश करोगे तो इसके नीचे तो 0 है। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो इसको भी ऐसे यूज करो जो आप 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ऐसा करते नहीं लेकिन समझने के लिए करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर मैं 0 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो मैं y का वैल्यू कितना बताऊंगा यहां पे, -1 बताऊंगा, ठीक है। वैसे दूसरा लॉजिक ये होता है कि अगर नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, तो ऊपर 0 करने के लिए y = -1 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, यहां तक सारे बच्चे समझ पा रहे, ठीक है। कैन ड्रॉपर गिव मैथ्स ओलंपियाड, भार्गव तो मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं चाहिए बेटा, ओलंपियाड वगैरह अभी कहाँ सोच रहे हो फिर भार्गव, है ना। आपने अगर ड्रॉप लिया है किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए लिया है, सो फोकस ऑन दैट वन टारगेट। लाइफ में
अगर आप एक सिंगल टारगेट भी लेके चल रहे हो तो कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं आज बैठ के ये सोच सकता हूँ कि मैं हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा रहा, मैं पायलट क्यों नहीं हूँ, लेकिन वैसे सोच के होने क्या वाला है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि मैं अच्छा क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करूँ, ठीक है। तो अगर मेरा लाइफ का केवल एक ही टारगेट है ना तो भी चलेगा, उससे क्या होता है वैसे भी फोकस ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप लेते हो तो आप ड्रॉप किस लिए ले रहे हो? आप जेई एडवांस क्लियर करने के लिए अगर ड्रॉप ले रहे हो तो केवल एडवांस की तैयारी करो। अगर आप मेंस की तैयारी के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो केवल मेंस की तैयारी करो, एडवांस के बारे में सोचो ही मत। बाद में भले ही एडवांस निकल जाए बात अलग है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर आपने अगर ओलंपियाड के बारे में पहले सोचा नहीं था, सो लेट गो ऑफ इट, ठीक है। इट्स ओके टू लेट गो ऑफ थिंग्स, उसमें कोई गलत नहीं होता। चलो यहाँ पर और आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन को A2 का यूज़ करते हैं, A2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। A2 का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे किसकी मदद से निकलेगा, लाइन कौन सी है हमारे पास में, लाइन है हमारे पास में x-y-1=0, ठीक है। तो फिर से यही काम करूंगा मैं, सेम इक्वेशन का यूज़ करूंगा, x-y-1 upon a = y-y-1 upon b = -2 times of ax1, तो कितना हो जाएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद +1 आएगा, फिर -1 आएगा और डिवीजन में आएगा a² + b² मतलब 2 आएगा। तो यहाँ से 2-2 हो जाएगा कैंसिल, आगे आपका 1-1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है -4, ठीक है। तो आपका x-4 = -4 सॉल्व होकर x का वैल्यू 0 आएगा, और वैसे ही y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा आपका 4-1 मतलब y का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नया पॉइंट भी आ गया विच इज 0,3। ये तो हमारे पास पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, क्लियर है, ऑल राइट। तो आपके पास में जो दोनों पॉइंट्स आए हैं A1 और A2 है ना, क्या क्या है इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं। आपका A1 का वैल्यू आ गया बच्चों आपके पास में -2, -1, और आपका A2 का वैल्यू आ गया है आपके पास में 0,3। क्या आप इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन का इक्वेशन जल्दी से मुझे निकाल के बता सकते हो? जल्दी से निकालो, देखो यहाँ पर कितना आएगा, सर्कल्स चैप्टर मोसिन को सर्कल्स पढ़ना है। ओहो, यहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चे तो मेरे ख्याल से उसके लिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बायनोमियल, आधे से ज़्यादा बच्चे उसका ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आई अंडरस्टैंड काफ़ी सारे बच्चों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। 2x-y+3, कृष्णा गुप्ता इज सेइंग 2x-y+3, क्या ये सही लग रहा है बच्चों को? मैं भी ज़रा वैल्यू इनपुट करके देख लूँ इसके अंदर, बिल्कुल सही आंसर है 2x-y + 3, बिल्कुल सही आंसर निकाला कृष्णा ने। बाकी बच्चे भी क्या है सोच पा रहे हैं, यही आंसर आना चाहिए एक्चुअली, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा लेकिन अब बच्चे ने आंसर बता दिया इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आई डोंट थिंक इट इज़ दैट डिफिकल्ट हियर। SMM, ऑल राइट, रिदम जैन, ऑल राइट। तो ये बिल्कुल सही कोड लिखा आपने, यस, जहाँ मैं था वहाँ पर इसी नाम से बुलाते थे मुझे। पेयर ऑफ लाइन्स साई, यहाँ पे साई सूरज यहाँ पे डायरेक्टली बोला सर ये कराएंगे, अरे देखते हैं आराम से, है ना, ऑल राइट चलो। हाँ, अमन यहाँ पे पूछ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के कितने लेक्चर बचे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं बचे हैं, डेफिनेट के खत्म होते से हम एरिया का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तो ये हमारा आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, इसका आंसर कितना निकाला है आप लोगों ने, जल्दी बताओ। राजीव, ऑल राइट, इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला है बच्चों आपका ABCD में से? ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। यहां पर आपने लेकिन क्या सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन को क्या मैं बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट से भी कर सकता हूं क्या, क्योंकि मैं यहां पर उसी कंसेप्ट से बताने वाला हूं। आपको मल्टीपल यहां पर अप्रोचेस डेफिनेटली मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इतना भी कोई यहां पर TDS काम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान से सोचो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में जब भी होगा रोमबस, आपके क्वेश्चन में जब भी होगा रोमबस, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिस्कशन किया होगा डायगोनल्स का, तो रोमबस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर्स भी होती हैं। रोमबस की जो डायगोनल्स होती हैं, ए आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे संजेश यहाँ पे बी आंसर बता रहा है, बेटा बी आंसर नहीं है इसका, ए आंसर है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर सोचो इस बात को, आपको अगर एक फिगर दे रहा हूं मैं विच इज अ रोमबस, देन इन दैट केस इसका जो डायगोनल होता है दैट इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कुछ यहाँ पे मानूँ ABCD मेरे पास रोमबस है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो साइड का इक्वेशन गिवन है, एक साइड है मेरे पास x-y+1=0 और एक साइड है मेरे पास 7x-y-5=0, ये दोनों चीज़ें पता हैं सबको,
अगर मुझे यहां पर कोई ये भी दे देता है कि मेरा डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा यहां पर बायसेक्टर वाला कंसेप्ट यूज करके। ठीक है, कितना है, -1, -2 उसने दिया हुआ है। मुझसे पूछा क्या है उसने, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस, इस रोम्बस का और कौन सा वर्टेक्स यहां पर लिखा हुआ है ABCD ऑप्शन में से, मुझे ये ढूंढ के बताना है। अब ऑब्वियसली यहां पर मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा ए निकालने की, ए डायरेक्टली निकलेगा मुझे पता है, ए डायरेक्टली निकलेगा मुझे पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन उसको पूछना होता तो ये मेंस में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो मैं अननेसेसरी यहां पे ए निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसा करते हैं कि यहां पर AC और BD बायसेक्टर का इक्वेशन निकाल के देखते हैं। अगर मैं BD का इक्वेशन निकाल पाया तो BD का और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट D हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया डेटा हो सकता है। ठीक है, सोचो अब यहां पर ध्यान से, मैं यहां पर AC का इक्वेशन और BD का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं। मैंने क्या पता किया कि यहां पर एंगल बायसेक्टर्स की जो बात हो रही है ना, वही एक्चुअली डायगोनल्स भी हैं यहां पे। ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है मेंस का, ओके, किसने बताया ये, किसने बताया है किसको, जल्दी से यहां पे बच्चों न्यूज भी फॉलो करते रहा करो। ठीक है, पैटर्न वैटर्न अगर कुछ चेंज हो रहा था आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप इन दोनों का एंगल बायसेक्टर लिखो। तो एंगल बायसेक्टर कैसे लिखते हैं, एंगल बायसेक्टर, कुछ नहीं करना होता है, पहली वाली लाइन को उठाओ, उसके a² + b² का रूट से डिवाइड करो, तो 7x, लाइन क्या है 7x -y -5, और उसको डिवाइड करूंगा अंडरूट ऑफ 49+1 से, इसका हो गया मॉड, इज इक्वल टू क्या लिखो, दूसरी वाली लाइन लिखो, दूसरी वाली लाइन कहां पर है, x - y + 1, डिवाइड कर दो अंडरूट ऑफ a² + b² से, दोनों साइड से अंडरूट टू तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, टोटल 50 है। ठीक है, तो 50 में से 5√2 बनेगा ही, तो √2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, आपके पास बचेगा यहाँ पे 5, तो अब इसको दो तरीके से ओपन करेंगे, एक बार प्लस के साथ में ओपन करेंगे और एक बार माइनस के साथ में ओपन करेंगे। अगर मैं इसको प्लस के साथ में ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7x - y - 5 इज इक्वल टू 5 times x - y + 1। ठीक है, तो यहां से क्या क्या लग रहा है आपको, क्या बनना चाहिए, 7x है और 5x है, तो इस तरफ आके 2x बचेगा, उसके बाद में -5y है, इस तरफ आके +5y हो जाएगा, -y के साथ में मिलके +4y हो जाएगा, और यहां पर आपके पास में +5 है, इस तरफ आके -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, ये आपके बायसेक्टर का पहला इक्वेशन है जिसका आंसर क्या है, x + 2y - 5 = 0। और वैसे ही मैं सजेस्ट कर रहा हूं एक बार इसको माइनस के साथ भी सॉल्व करके देखो क्या आएगा, मतलब यहां पर माइनस होगा बस, अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 7x - y - 5 = -5x। ठीक है, -5x + 5y - 5, क्या किया मैंने, माइनस के साथ ओपन किया ना, इसलिए -5 अंदर मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे फिर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा इस साइड तो ये हो जाएगा आपके पास में 12x, y आएगा इस साइड तो हो जाएगा -6y, और ये 5 आएगा इस साइड तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 5 इस साइड आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में यहां पे कैंसिलेशन के बाद क्या बच रहा है, 2x - y = 0, ये आपका सेकंड बायसेक्टर की इक्वेशन है। लेकिन क्या बच्चों आप यहां पर सोच पा रहे हो, ठीक है, क्या बच्चों यहां पर आप सोच पा रहे हो कि आपके पास जो यहाँ दोनों इक्वेशंस आई हैं ये दिखाई कैसे देंगी, एक तो इक्वेशन वाकई आपकी AC की ही होगी लेकिन दूसरी इक्वेशन BD की नहीं है, वो क्या है, AB और AD के एंगल बायसेक्टर्स हैं, मतलब एक्चुअली दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली दो ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है वो यहां पर निकल के आई है, तो कौन सी वाली लाइन कौन सी है कैसे पता करेंगे, जिस भी लाइन के ऊपर -1, -2 लाई करेगा वो AC का इक्वेशन है। तो -1, -2 किसके ऊपर लाई कर रहा है, -1, -2 माइनस वाले पे लाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा AC का इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं यहां पर दूसरी लाइन को देखूं तो अभी जो मुझे लाइन दिख रही है उस लाइन के साथ में मैं BD का क्या कनेक्शन बैठा सकता हूं, BD जो है इस ग्रीन लाइन का इक्वेशन जो मेरे पास आ चुका है उस ग्रीन लाइन के पैरेलल है, मतलब आपका जो BD का इक्वेशन होना चाहिए उसके अंदर x + 2y तो आना ही चाहिए, तो आपका BD का इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, BD का इक्वेशन हो जाएगा बच्चों आपका x + 2y + some constant = 0। लेकिन इसमें खास बात क्या होना चाहिए, BD भी कहां से पास होना चाहिए, -1, -2 से पास होना चाहिए, -1, -2 से पास होना चाहिए, तो डालो इसके अंदर तो आपको C का वैल्यू निकल के आएगा, देखें इसमें कितना हो जाएगा, -1, -4 + c = 0, मतलब c का वैल्यू हो गया 5, तो आपका BD का इक्वेशन क्या आ गया,
आपका अभी बीडी का इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया बीडी का इक्वेशन आ चुका है, जल्दी से यहां पर सोच के बताओ आप कौन सा यहां पे आप पॉइंट निकाल सकते हो। बीडी का इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, तो आप या तो इसको ए बी के साथ में सॉल्व करो तो ए बी निकल के आएगा, या फिर आप उसको ए डी के साथ में सॉल्व करो तो डी निकल के आएगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व विद ए डी, ठीक है। तो आपके पास में क्या आएगी, दो इक्वेशंस। ए डी का इक्वेशन कितना माना है मैंने, सेवन एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉल्विंग फॉर डी, इसके बाद में क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं इसके लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए, सॉल्व फॉर डी, ठीक है। कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करूंगा मैं, एक तो हो जाएगी मेरी इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी मेरी कौन सी, सेवन एक्स माइनस वाई माइनस फाइव, सेवन एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या यही आंसर, यही इक्वेशन है हमारे पास, जल्दी से इसको क्रॉस ये करके देखो कितना आएगा। यस सुनील, बिल्कुल बेटा, होमवर्क डिस्कशन में मैं यहाँ पे पूरा टाइम देता हूँ, आधा घंटा लगे चाहे एक घंटा लगे, ठीक है। अगर मैं आपको कोई होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और अगर मैं उसका सॉल्यूशन ही आपको नहीं बताऊँ तो कैसा लगेगा आपको, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस टू द होमवर्क क्वेश्चन, प्लस आज के क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। बाइनोमियल, शिवम मिश्रा इज सेइंग बाइनोमियल चाहिए, ओके। मधुश्री को यहाँ पे इकोनॉमी की चिंता हो रही है, बेटा इकोनॉमी की चिंता तो सभी को है ना, इसलिए तो यहाँ पर अनअकैडमी प्लस आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इतना स्लो डाउन चल रहा है तो आप क्यों वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इतना सारा पैसा देना चाह रहे हो, जब अनअकैडमी प्लस पे आपको 50 से 60 दिन रुपये दिन में पूरी पढ़ाई करने को मिल रही है तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूँगा। सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 15, टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा कैंसिल, टू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा 1/3। एक्स का आंसर अगर आपके पास में 1/3 आ गया है तो जल्दी से यहाँ पर डाल के देखो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7/3 माइनस दैट, ठीक है। आपका आंसर कितना आने वाला है यहाँ से, माइनस 8/3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझे सारे बच्चे, क्लियर। मोहसिन इज आस्किंग व्हेन टू सॉल्व अवर डाउट्स, डाउट्स तो बेटा आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। डाउट्स जितने जल्दी सॉल्व करोगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, ठीक है। डोंट वेट फॉर डाउट्स, ठीक है, उनको जितने जल्दी क्लियर करोगे उतना अच्छा है। मनु इज सेइंग सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मनु करने के पहले यहाँ पर हमें कंसेप्ट समझना है, लेट अस फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड देन डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें समझना है वो क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर, इस क्वेश्चन को बच्चों करने के आपके और भी मेथड्स हो सकते हैं, ट्राई टू फाइंड मोर मेथड्स, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन, लेकिन दिस वॉज वन ऑफ द अप्रोचेज जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर एंगल बायसेक्टर का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एंगल बायसेक्टर का एक ऐसा कंसेप्ट यूज किया था जो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स, इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। ओके, तो हमें बच्चों आगे जो स्टार्ट करना है, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद में टॉपिक जो बचा हुआ है, जो काफी बुक्स में कनेक्टेड होता है, विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन आई कंसिडर इट एज ए सेपरेट टॉपिक, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइंस नाम का जो हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक होगा ये ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी इसलिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जाके इसका यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अगर हम एक्सिस का करते हैं तो क्या क्या हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर आप सोचो यहाँ पर कि आपके पास में ऐसे कुछ सिनेरियो है कि आप यहाँ कहीं रहते हो, ठीक है, आप यहाँ कहीं रहते हो, लेट अस से इसका नाम ए है और आपका स्कूल जो है वो यहाँ कहीं है, लेट अस से इसका नाम बी है। अब होता क्या है कि हमारे लिए हमारे दिमाग में सारे डिस्टेंसेस ना हमारे घर से ही होते हैं, हमारे घर से ही सारे डिस्टेंसेस हमें देखने की आदत होती है, ठीक है, कि हमारे घर से मूवी थिएटर कितना दूर है, हमारे घर से ये पर्टिकुलर दोस्त का घर कितना दूर है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में हमारा घर क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, हमारे दिमाग में हमारा घर ओरिजिन होता है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि आपने घर शिफ्ट कर लिया, आप कहीं और रहने चले गए, ठीक है, आप लेट अस से यहाँ रहने चले गए ए वन वाले लोकेशन पे, तो आपके दिमाग में अब क्या आएगा कि स्कूल तो पास आ गया, स्कूल पास आ गया, ठीक है, स्कूल पास नहीं आया, आप स्कूल के पास चले गए। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है,
आपने बेसिकली अपने दिमाग में जो ओरिजिन बना के रखा था इतने सालों से, जब आप यहाँ रह रहे थे, वो आपने शिफ्ट कर दिया, आपने बेसिकली ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं और अच्छा फिगर बनाना चाहूँ तो ऐसे कुछ कर सकता हूँ कि ये पहले आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, आप इस तरीके से यहाँ पर स्कूल जाया करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या किया है, अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही चेंज कर दिया है, क्योंकि आपने अपना घर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप स्कूल कैसे जाओगे, ऐसे जाके ऐसे जाओगे, लेकिन स्कूल का लोकेशन तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन तब भी हमारे डिस्टेंसेस चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बी का नाम चेंज हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है किसी और लोकेशन पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बेसिक फंडा क्लियर हो रहा है यहाँ पे सब बच्चों को। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स जब मैं नया एक्सिस यूज करता हूँ और जब पुराना एक्सिस यूज करता हूँ, ठीक है। तो दोनों ही एक्सिस के कंपैरिजन में अब मेरा पॉइंट पी कैसे लिखा जाएगा, ये मेन यहाँ पे फंडा है, ठीक है। तो अब इस फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखो, कैसे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं, आप ओरिजिनली कौन सी एक्सिस फॉलो कर रहे थे, आप ओरिजिनली एक्स वाई एक्सिस फॉलो कर रहे थे, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी उसको हम ओरिजिन आज तक बोलते आए थे, लेकिन फिर हमारा मूड किया कि नहीं, यहाँ पर हम एक्सिस अब रेड वाली फॉलो करेंगे। तो हमने अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इनको नाम भी अलग तरीके से दिया है, ये मेरा एक्स डैश एक्सिस है और ये मेरा वाई डैश एक्सिस है। तो नए वाले एक्सिस को मैं यहाँ पर नए वाले वेरिएबल को भी इसका मतलब कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, डैश के साथ में रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वो मेरा हो जाएगा नया ओरिजिन, ये हो जाएगा मेरा नया ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि पहले इस पॉइंट का वैल्यू 0-0 नहीं था, पहले इस पॉइंट का वैल्यू कुछ तो था, वो मैं कैसे पता करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ पुराने ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कितना दूर जाना पड़ रहा है इस ओ डैश पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो इस ओ डैश पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे एच चलना पड़ता है और मुझे यहाँ पर के चलना पड़ता है ऊपर, एच हॉरिजॉन्टली के वर्टिकली। तो यहाँ पर मुझे ओ डैश का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पता है एच कॉमा के, मतलब यहाँ पर अब मैं अगर स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पे, ठीक है, मैंने अपना ओरिजिन शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पे, ऐसा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोलूँगा। और अगर मैंने अपना ओरिजिन चेंज कर दिया है एच कॉमा के पे, देन इन दैट केस पुराना वाला जो पॉइंट पी था वो खुद तो हिला नहीं है यहाँ से, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने के डिस्टेंसेस चेंज हो गए। पहले मुझे कितना चलना पड़ रहा था, पहले मुझे पी पॉइंट तक पहुँचने के लिए यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ रहा था, ठीक है, मैं ओ से लेके एम तक जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ से लेके ऊपर तक जाऊँगा, तो मेरे पास क्या आ रहा था, एक्स कॉमा वाई निकल के आ रहा था, मतलब मुझे x एक्सिस के अलोंग x चलना पड़ रहा था, y एक्सिस के अलोंग y चलना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैंने अब शिफ्ट ही कर दिया मेरा ओरिजिन, तो p पॉइंट तक पहुंचने में मुझे कुछ अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ेंगे, ठीक है। वो डिस्टेंसेस देखो आपको कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पर आप ऐसा कुछ सोचो कि आप यहाँ पे अब चल रहे हो x डैश और ऊपर जा रहे हो y डैश, तो क्योंकि आप अब इतना ही चल रहे हो इसलिए आपका नया कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा पॉइंट का, x डैश y डैश हो जाएगा। व्हाट वी वांट टू रिलेट इज न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश विथ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश, ऐसा हम यहां पर कुछ करना चाह रहे हैं, क्लियर है। सो हाउ विल यू डू दैट, फिगर देखते हैं और कर लेते हैं। हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि आपका जो फिगर है उसके अंदर ये जो एक्स पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ एक्स है, ये अब दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, यहां तक एच लेंथ है, देखो यहां पर एच लेंथ है, और उसके आगे यहां पर एक्स डैश लेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स डैश प्लस एच करके मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, पहले वाला पुराना वाला एक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो यहां पर दिख रहा है आपको, पुराना वाला जो x है वो एक्चुअली नया वाला x प्लस h के बराबर है, और वैसे ही आप अगर y में देखते हो तो y ये पूरा का पूरा लेंथ है, लेकिन ये नीचे वाला लेंथ कितना है k, और ये ऊपर वाला लेंथ कितना है y डैश, तो ये दोनों ऐड करके भी आपके पास पुराना वाला y आ जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया, यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कैसे कर रहे हैं, यहां पर h कॉमा क्या, h कॉमा k क्या है, h कॉमा k इज द पॉइंट जहां पर आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, इज दिस क्लियर, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कहां पर किया है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन इसी चीज को अगर आप लिखना चाहो तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हो कि x डैश इज इक्वल टू एक्चुअली x माइनस h एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस k, क्लियर। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाकई बहुत ही सिंपल सिंपल तरीका है करने का। क्या आप लोगों को ये इक्वेशन याद हो गई, याद नहीं हुई है तो जल्दी से इसको लिखो, क्योंकि हम इसके ऊपर बेसिस बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस यहां पे करने वाले हैं ताकि आपको दिमाग में ये कांसेप्ट फिट हो जाए, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट अस ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है बच्चों आपके पास में, वेयर शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एच और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया था, एच कॉमा के पे शिफ्ट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन
y square plus 4y plus 8x minus 2 is equal to 0 will not contain any y or constant term. ठीक है, आपने इस तरीके से ओरिजिन को शिफ्ट करना है ताकि ये इक्वेशन अब चेंज होने के बाद में इस तरीके से दिखाई देगी कि उसके अंदर y वाला टर्म भी नहीं है और उसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी नहीं है. तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ आपकी इक्वेशन भी चेंज होने वाली है? बिल्कुल चेंज होने वाली है. यहां पर एक लाइन इमेजिन करो, है ना, पहले एक लाइन थी. अगर मैं उसका इंटरसेप्ट देखूं, ठीक है, तो पहले उसका इंटरसेप्ट y एक्सिस के ऊपर ब्लैक y के ऊपर बन रहा था तो ज्यादा बन रहा था, अब यहां पे रेड y के ऊपर बनेगा तो कम बनेगा, तो आपकी लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, अभी के लिए क्योंकि हमने लाइन ही पढ़ा इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन आप कोई सा भी फिगर सोच के देखो, आपके यहां पर सारे ही फिगर्स की इक्वेशन चेंज होने वाली है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कितना इसका आंसर आना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को करने का मैं एक पहले सिंपल तरीका दिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, एक रेगुलर तरीका दिखाता हूं, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे तरीके को. दो मेथड्स यहां पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पे कि आपका जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट होता है और जो नया वाला कोऑर्डिनेट होता है वो रिलेटेड कैसे होते हैं, इस तरीके से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि क्योंकि ये बोल रहा है कि नए वाले इक्वेशन में क्या होना चाहिए, नए वाले इक्वेशन में y नहीं होना चाहिए और नए वाले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, सो लेट अस ट्राई टू राइट द इक्वेशन इन नया वाला फॉर्मेट. नया वाला फॉर्मेट क्या है, x की जगह x डैश प्लस h डालो और y की जगह y डैश प्लस k डालो. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ओरिजिनल इक्वेशन में ये चेंजेस कर दूं तो मेरा नया इक्वेशन कैसे हो जाएगा? मेरा नया इक्वेशन अभी आपको ऐसा दिखाई देगा, जहां पर y स्क्वायर मतलब कितना हो गया, y डैश प्लस k का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y मतलब y डैश प्लस k, उसके बाद प्लस 8 टाइम्स ऑफ x मतलब x डैश प्लस h, और उसके बाद माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपका नया इक्वेशन बना है. ठीक है, ये जो आपका नया इक्वेशन बना है इसके अंदर वेरिएबल्स आपको x डैश y डैश ही दिखाई देंगे, डरने की बात नहीं है. ठीक है, यहां पर आप दिमाग में अगर सोचना चाहो तो एंड में जाके x डैश y डैश की जगह x y लिख के खुद को कंफर्टेबल फील करवा सकते हो. ठीक है, अदरवाइज यहां पर x डैश y डैश चलने दो. तो देखें यहां पर क्या होने वाला है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, y डैश का स्क्वायर प्लस 2k y डैश एंड प्लस k स्क्वायर. ये मैंने पहला वाला ब्रैकेट ओपन किया, आगे वाला अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ y डैश प्लस 4 टाइम्स ऑफ k एंड प्लस 8 टाइम्स ऑफ x डैश प्लस 8 टाइम्स ऑफ h माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोला क्या गया है, मुझे सीधा सीधा कंडीशन दिया है कि y डैश वाली टर्म नहीं होना चाहिए. एक्चुअली इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, y वाली टर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो नया इक्वेशन आ रहा है उसके अंदर y की जगह नोटेशन y डैश है, तो हम इसको y डैश की तरह ही पढ़ेंगे. y डैश वाली टर्म अगर मुझे नहीं चाहिए देन इन दैट केस मैं यहां पर क्या एनालाइज करूंगा, मैं ये एनालाइज करूंगा कि y डैश का कोएफिशिएंट जीरो हो जाना चाहिए. क्या एनालाइज करेंगे, y डैश का कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए. तो y डैश का कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है आपको, y डैश मुझे दो ही जगह नजर आ रहा है. ठीक है, y डैश का स्क्वायर का डिस्कशन नहीं चल रहा है बच्चों यहां पे, केवल y डैश का डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, तो मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ y डैश उसको कर देते हैं जीरो. इसका मतलब हो जाएगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब k का आंसर आ जाएगा -2. ठीक है, और वैसे ही सेकंड है कि कांस्टेंट टर्म जीरो करना है, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म तो मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है. कांस्टेंट टर्म के लिए क्या क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा k स्क्वायर, यहां से लिखूंगा 4k, यहां से लिखूंगा 8h माइनस 2. ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन k का वैल्यू बच्चों माइनस 2 ऑलरेडी आ चुका है, सो लेट अस यूज दिस वैल्यू. अगर मैं यहां पर ये वैल्यू यूज करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 4, फिर हो जाएगा माइनस 8 एंड प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से जल्दी से देखें इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या इसका आंसर यहां पर सभी बच्चों को 3/4 नजर आ रहा है h का. अब ये जो है मेथड तो करेक्ट है लेकिन बहुत ही टीडियस मेथड है. यहां पर जो आपकी मेथड है करेक्ट है, बिल्कुल कोई यहां पे डाउट नहीं है. ठीक है, कि आपने क्या किया है, मान लिया कि h, k पे मैंने शिफ्ट किया और एंड में h, k निकल के आ गया, तो मुझे पता चल गया कि मैंने ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना चाहिए, 3/4 कॉमा माइनस 2 पे शिफ्ट करना चाहिए. लेकिन क्या इसको सॉल्व करने का ज्यादा आसान तरीका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू इंक्रीज अवर लेवल, क्योंकि अदरवाइज आगे आने वाले क्वेश्चन अननेसेसरी आपको यहां पे लेंदी हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है उसको एक बार फिर से देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y, y स्क्वायर प्लस 4y और क्या है साथ में, प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
ठीक है। सो मैं यहां पर क्या सोच रहा हूं कि ऐसा करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे y स्क्वायर प्लस 4y को कंबाइन करना चाह रहा हूं तो मुझे पता है कि ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 के होल स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन जब मैं y प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो इसके अंदर एक्स्ट्रा प्लस 4 भी आने वाला है, तो मैं यहां पे माइनस 4 पहले से करके रख लेता हूं। तो मेरे पास अब जो यहां पे फिगर बन रहा है, जो इक्वेशन बन रही है, वो ऐसे कुछ है कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड साथ ही साथ यहां पर आपके पास में ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 6। तो अगर मैं 8 कॉमन निकालूंगा इनमें से तो आपके पास आएगा 8 के साथ में लिखा हुआ x माइनस 3/4। चेक कर ले सारे बच्चे एक बार, यही आ रहा है x माइनस 3/4। अब ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देख के मैं अब वो वाला आंसर बहुत जल्दी कर सकता हूं जो वो पूछ रहा है। अगर मुझे पता है कि मुझे अगले वाले स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में y वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए तो मैं क्या सोच सकता हूं, लेट अस सब्स्टिट्यूट y प्लस 2 एज y डैश। इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्टली y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, y आने का टाइम ही नहीं बचा हमारे पास, डायरेक्टली y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं चाहता तो कांस्टेंट टर्म आने वाला कहां से है, यहां से आने वाला है। आप यहां पे उसके सारे रास्ते ही बंद कर दो, आप क्या बोलो कि ये जो ब्रैकेट है ना इसी को x डैश बोल दो। इसको अगर आपने x डैश बोल दिया और y प्लस 2 को अगर आपने y डैश बोल दिया, देन इन दैट केस आपकी दोनों कंडीशन यहां पे फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या यहां पे आपको आपका आंसर मिल गया, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, y डैश इज इक्वल टू होना चाहिए y प्लस 2 एंड x डैश होना चाहिए आपका x माइनस 3/4। अब यहां गलती मत करना, यहां पर जो वैल्यूज रिलेटेड हैं, जो हमने इक्वेशन याद करी है वो क्या है, यहां पर हमने ऐसा कुछ याद किया है कि x इक्वल टू x डैश प्लस h, x इक्वल टू x डैश प्लस h। तो आपको अगर h पता करना है तो x डैश के साथ में आपको वैल्यू भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही करते हैं यहां पे, यहां पर हमें x डैश और y डैश के साथ में वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। तो यहां से आपका जो y है वो कितना हो जाएगा, y डैश माइनस 2, और x है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका x डैश प्लस 3/4। तब आपका यहां पे सही साइन वाला एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा, ठीक है। तो 3/4 कॉमा माइनस 2 इज व्हाट वी वांट। अब इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपके आंसर्स निकल के आएंगे, क्लियर हो रहा है। दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। ऐसा आप काफी सारे क्वेश्चंस में आगे करोगे, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास जो सर्कल्स हैं उसके अंदर भी स्क्वायर वाला ही टर्म होता है, जो आपके उसमें पैराबोला है, जैसे कि एक्चुअली पैराबोला ही था, ठीक है। पैराबोला में स्क्वायर वाला टर्म होता है, आपके उसमें एलिप्स और हाइपरबोला में भी स्क्वायर वाला टर्म होता है, ठीक है। सो ऑलवेज दिस काइंड ऑफ अप्रोच विल हेल्प यू, ठीक है। तो एक बार और सॉल्व करके देखते हैं, एक नया क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ऑलराइट, सो हियर इट इज, यहां पर बोल रहा है ये कि 6.6 इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर किसी बच्चे को अगर सर्कल पता नहीं है तो डरने वाली बात ही नहीं है। यहां पर ऐसा करो कि इसको कोई भी एक रैंडम कर्व नाम दे दो, 6.6 इज ए पॉइंट ऑन दिस कर्व। क्या फर्क पड़ा क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, बस ऐसा मान के चलो इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको सर्कल नहीं पता ये सोच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, तो क्या है यहां पे, 6.6 इज ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल बाय ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन टू ए सर्टन पॉइंट। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट किया है, सर्टन पॉइंट कहीं तो शिफ्ट किया मैंने। द ट्रांसलेटेड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मेरा नया इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। देन इन दैट केस अब मैं 6.6 को क्या लिखूंगा, मेरे कोऑर्डिनेट 6.6 अब क्या हो जाएगा, ऐसा ये यहां पर मुझसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आई नो दिस चैप्टर एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, अच्छा अर्शद बाशा, ऑल राइट। हाँ तो बेटा वही तो पढ़ रहे हैं आजकल, शायद लेक्चर आपने लेट ज्वाइन किया लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोल रहे हैं उस चीज को, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ऑल राइट, तो थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं और लेट अस सी यहां पर इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लिया है, हम उसी का यहां पे यूज करने वाले, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में आपके पास में माइनस 4x आ रहा है, y स्क्वायर के साथ में आपके पास में माइनस 6x आ रहा है, ठीक है, और बाद में अलग से सॉरी y स्क्वायर के साथ में 6x आ रहा है, आई गेस दिस शुड बी y देन, क्योंकि दो जगह कोई 6x क्यों लिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर दूसरे वाले को y चेंज कर लेते हैं और फिर हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
होपफुली दैट शुड बी द करेक्शन, क्योंकि पहले वाला हमेशा एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है. जनरल फॉर्मेट जो है वो यही है. तो क्या मैं इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ? यस, मैं इन दोनों को बड़ी आसानी से क्लब कर सकता हूँ. ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर में आएगा. लेकिन जब भी मैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा प्लस फोर भी मिलता है, तो माइनस फोर करके रख लेते हैं. वैसे ही यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाई माइनस थ्री के होल स्क्वायर में आएगा. लेकिन y माइनस थ्री के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा नाइन भी आता है, तो मैं माइनस नाइन करके रख लेता हूँ और माइनस ट्वेल्व अलग से है. तो मैं अगर मेरी इक्वेशन को ध्यान से देखूँ तो ये ऐसा हो रहा है, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये मेरा सर्कल का इक्वेशन अब इस तरीके से नजर आ रहा है. जबकि मेरे पास क्या चाहिए, मुझे नया वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वाले फॉर्मेट में. तो अगर मैं यहां पर x माइनस टू को ही x डैश डाल दूं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, और अगर मैं y माइनस थ्री को ही y डैश डाल दूं, तो क्या मेरे पास x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा. और हमारी नई इक्वेशन क्या फिर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जैसी इमेजिन की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है. ठीक है, यहां पर जो आपको डैश दिख रहे हैं इससे डरने की बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ही x डैश y डैश माना हुआ है, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ही x डैश y डैश माना हुआ है, इसलिए आपकी इक्वेशन भी x डैश y डैश के फॉर्मेट में ही आएगी. लेकिन जिसके लिए x डैश y डैश ही मेन है, वो तो अपने आपको एक्स वाई बोलेगा ना. समझ रहे इस बात को? मतलब चाइना में जाके आप अपने खाने को चाइनीज फूड थोड़ी बोलोगे, वहां के लिए तो वो फूड ही है. वैसे कुछ यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, जो खुद x डैश y डैश एक्सिस की बात कर रहा है उसके लिए तो वो एक्सिस x और y ही है. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी नई वाली इक्वेशन या तो आप x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बोलो, या फिर उसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25 बोलो, नई इक्वेशन ऐसा भी बोला जा सकता है. ठीक है, ऑलराइट. तो इन दैट केस मुझे क्या समझ में आ गया, हाउ आर ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड. यहाँ पर मेरे पास x डैश का वैल्यू आ जाता है x माइनस टू के बराबर और y डैश का वैल्यू आ जाता है y माइनस थ्री के बराबर. अब मुझे क्या दिया है कि 6.6 जो पुराना कोऑर्डिनेट था उसका अब नया फॉर्मेट क्या होगा. तो कोई बात नहीं, पुराने वाले कौन से होते हैं, जिनके ऊपर डैश नहीं है उसके अंदर 6 और 6 डाल दो. तो आपका x डैश कितना हो जाएगा, x डैश हो जाएगा 6 माइनस टू मतलब 4, और आपका y डैश कितना हो जाएगा, 6 माइनस थ्री मतलब 3. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4.3 आपका आंसर निकल के आना चाहिए. सी, बिल्कुल सही. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गेट टू द आंसर. आई सबको बात समझ में, क्लियर हो गया? बढ़े आगे. ए एंड बी आर सेम ऑप्शन, ए एंड बी आर सेम ऑप्शन. हाँ, ए एंड बी आर सेम ऑप्शन, तो अच्छी बात है. यहाँ पर यहाँ पर अच्छी बात है कि दोनों आंसर गलत हैं. ठीक है, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाती. व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि यहाँ पे किसी एक में माइनस होना चाहिए था. ठीक है, नाउ दोज आर डिफरेंट ऑप्शन. ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़े. 4.3 आंसर आ गया सारे बच्चों का. ऑल राइट, देखिए अब आगे. नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस. तो रोटेशन ऑफ एक्सिस जब हम करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना कि दोनों चीजें साथ में नहीं करेंगे, रोटेशन भी कर दिया और ट्रांसलेट भी कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, या तो क्वेश्चन प्योरली रोटेशन के ऊपर होगा या फिर क्वेश्चन प्योरली ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर होगा, ट्रांसलेशन के ऊपर होगा. ठीक है, ऑल राइट. देखो अब मैं इसको रोटेशन को कैसे बता पा रहा हूं आपको, जल्दी से यहां पर ध्यान दो. हाउ आर वी रिलेटिंग ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स व्हेन वी रोटेट द एक्सिस, ये आपको सीखना है. ठीक है, तो यहां पर सोच के देखो, आपके पास में ब्लैक वाला जो एक्सिस है वो पुराना वाला एक्सिस है. पुराने वाले एक्सिस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, पुराने वाले एक्सिस को हम एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं. और आपके पास में यहां पर जो रेड वाला एक्सिस है वो कौन सा है, नया वाला एक्सिस है एक्स डैश वाई डैश. तो मतलब बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर आपने अपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है. कितने से रोटेट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपने यहां पर रोटेट किया लेटस से, अल्फा डिग्री से. लेकिन यहां पे ध्यान दो, ओरिजिन आपका वहीं पर है जहां पहले था. क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आपके पास जो ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, ये वहीं पर है लेकिन आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है. ऑलराइट, तो अब मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो पहले पॉइंट पी पुराना वाला था जिसका नाम यहां पर लेटस से एक्स कॉमा वाई था, एक्स कॉमा वाई ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये ब्लैक वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ओरिजिनल एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं. अब उसका नाम ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं पहले उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा था, ओरिजिन से लेके लेटस से मैं एम तक जा रहा था और एम से मैं ऊपर जा रहा था पी तक.
तो मुझे x, y यहाँ पे नज़र आ रहा था, लेकिन अब मैं अगर एक्सिस को रोटेट कर चुका हूँ तो मैं किस तरीके से मूवमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे? O से चलना स्टार्ट करूंगा मैं रेड वाली लाइन के ऊपर, तो आप कहाँ तक जा रहे हो? लेट अस से ये n पॉइंट है, ठीक है। अब n से आप यहाँ पर ऊपर चलना स्टार्ट करोगे P की तरफ, ऑब्वियसली इस बार डिस्टेंसेस कुछ अलग होंगे, तो आपके पास यहाँ पर x, y नाम नहीं बन पाएगा उस पॉइंट का, उस पॉइंट का नाम लेट अस से अब बन रहा है x डैश y डैश, ठीक है, उस पॉइंट का नाम x डैश y डैश बन रहा है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू रिलेट x, y विथ x डैश, y डैश, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों को यहाँ पे लग रहा है क्या ऐसा कुछ चैट कर रहे हैं बच्चे की, ओ ये क्या कर दिया सर ने, तो बेटा नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो, ठीक है। इट इज़ नेवर रॉन्ग टू एक्सपांड योर यू नो इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, सो बी ओपन टू समथिंग न्यू। अगर आपने ऐसा पहले नहीं देखा है तो देखो इस चीज़ को, ठीक है। हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट, है ना, ये क्या होता है परसेप्शन है, हो सकता है आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसने आपको किसी अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। सो दैट्स वॉट इज़ द डिफरेंस हियर। ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बच्चे माँ बोलते रहते कुछ ना कुछ। चलो तो अब मैं रिलेट कैसे करूँगा, फिर से यहाँ पर मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये वाला पॉइंट अल्फ़ा है, ठीक है, तो आपके पास में ये जो एंगल बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और वैसे ही जो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। देन इन दैट केस अगर ये पूरा एंगल ऑलरेडी 90 है तो आपके पास ये ऊपर वाला बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, ऊपर बचा हुआ एंगल आपका फिर से अल्फ़ा ही होना चाहिए। समझ रहे स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुँचे हम वहाँ तक, ये अल्फा था तो ये बचा हुआ 90 माइनस अल्फा था, उसका वर्टिकल ऑपोजिट भी 90 माइनस अल्फा था। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं तो क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है, तो ऊपर वाला अल्फा होना चाहिए ताकि इसका एंगल सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नाम देने की जरूरत है शायद, तो नाम दे देते हैं। यहाँ पर एम है, एन है, पी है, क्यू मिसिंग है, तो इसको क्यू नाम दे देते हैं लेट से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर अलग अलग लेंथ है जिनका मैं यूज करके फाइनल आंसर यहाँ पर निकाल के बता सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे उस चीज़ को, यहां पर पहले आपने सोचना चाहिए कि x डैश y डैश, x और y क्या है, ठीक है। तो आपके पास में जो OM लेंथ है वो कैपिटल सॉरी वो x है, ब्लैक वाला x है, उसके बाद जो m से लेके p तक का लेंथ है, m से लेके p तक का लेंथ है वो y है कि नहीं, तभी तो इस पॉइंट का नाम x, y था पहले। और वैसे ही आप अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर इस P पॉइंट का नाम अब आप एक्स डैश वाई डैश रखना चाहते हो, देन आपने यहां पर एक्चुअली ओ एन का जो लेंथ है वो एक्स डैश बोल दिया और एन पी का जो लेंथ है वो आपने वाई डैश बोल दिया, ठीक है। ऐसा आपने बोला होगा तभी तो कोऑर्डिनेट जनरेट हुए। लेकिन यहां पर कुछ एक चीजें देखना बहुत ही आसान है, जैसे कि आपका जो एक और नाम देते थे शायद यहाँ पे M N O P Q R, R मिसिंग है क्या, R देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में जो लेंथ है, व्हाट इज दैट लेंथ, O M, ठीक है, O M जो लेंथ है आपका दैट कैन बी रिटन एज O R माइनस M R, इज दिस राइट? ज्योमेट्रिकली क्या है, बिल्कुल सही है। O M का जो लेंथ है दैट इज सेम एज ओ आर का लेंथ माइनस एम आर का लेंथ। अब ओ एम का लेंथ ऑलरेडी कितना है, x के बराबर है, ओ आर का लेंथ कितना हो जाएगा, ओ आर का लेंथ, तो यहां पे ध्यान से देखो कि आपका ओ एन कॉस अल्फा के बराबर होगा वो, ओ एन कॉस अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्फा है और ओ एन का वैल्यू मुझे कितना पता है, एक्स डैश पता है, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, एक्स डैश कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कितना करना है आपको, एम आर। अब एम आर का जो लेंथ है वो एक्चुअली क्यू एन के बराबर है, तो क्यू एन का लेंथ मैं कैसे बता सकता हूं, क्यू एन का लेंथ मैं बता सकता हूं पी एन साइन अल्फा, पी एन का साइन अल्फा है वो, ठीक है। तो पी एन साइन अल्फा, पी एन का वैल्यू कितना है, पी एन का वैल्यू वाई डैश, तो वाई डैश साइन अल्फा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एक्स कोऑर्डिनेट इज रिलेटेड विथ एक्स डैश एंड वाई डैश, अगर आप यहां पर अल्फा डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं y की कैलकुलेशन करना चाहूं तो y की कैलकुलेशन के लिए मैं क्या देखूंगा यहां पे, कि मैं किसको लिखना चाह रहा हूं, यहां पे टोटल pm को लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर पहले pm के टर्म्स में लिख लेता हूं मैं इक्वेशन को, pm लेंथ जो है आपका, pm लेंथ जो है वो किसके बराबर निकल के आएगा, आपका qm लेंथ या mq लेंथ प्लस QP लेंथ के बराबर ये लेंथ निकल के आएगा। तो PM का वैल्यू ऑलरेडी बच्चों हमें कितना बताया,
PM का वैल्यू हमें Y के बराबर पता है, MQ का वैल्यू कितना पता है, MQ का जो वैल्यू है दैट इज सेम एज NR का वैल्यू। अब NR का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ ON साइन अल्फा, ON का साइन अल्फा है वो, ON का वैल्यू कितना है एक्स डैश साइन अल्फा, ठीक है। प्लस कितना करना है QP, QP का वैल्यू कितना है Q से लेके P तक, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है PN का cos अल्फा है, PN का cos अल्फा मतलब Y डैश cos अल्फा, ठीक है। सो दीज टू इक्वेशंस आर वॉट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करण पूछ रहा है क्या हो रहा है, तो बेटा करण यहाँ पर अगर आपने अभी ज्वाइन किया है देन वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ वी डू ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर आपने यहाँ पर अल्फा डिग्री से रोटेट किया है तो आपके जो पुराने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं वो नए एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट्स के साथ में इस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। इज इट क्लियर? ध्रुव पूछ रहा है स्ट्रेट लाइंस कब खत्म करेंगे। ध्रुव बेटा आज मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हमारा स्ट्रेट लाइंस का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस आज हमारा खत्म होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा वो यहाँ पे डिस्कशन का मेन एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो ध्रुव आई थिंक आपके क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया है। ऑल राइट, और यहाँ पर सकलैन पूछ रहा है कि बायनोमियल कब शुरू करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। प्रणम्या क्या बोल रही है, प्रणम्या कोटा से है, ऑल राइट गुड टू नो, और उसके यहाँ पर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है ना। ऐसी बातें सुन के काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम यहाँ पर विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और आपको वो कंटेंट एक्चुअली कॉस्टली इंस्टीट्यूट्स से भी अच्छा लग रहा है। सो दैट इज़ वॉट वी आर एमिंग फॉर, ठीक है। वी आर एक्चुअली एमिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज फॉर फ्री, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग थ्रू अनअकैडमी जेई चैनल, ठीक है। तो बच्चों ये वाला रिलेशन जल्दी से याद रखने की कोशिश करो क्योंकि हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करना है। क्लियर है, ठीक है। ऑल राइट, अगला बायनोमियल कराएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कराएं? अच्छा, कुछ बच्चों को सर्कल्स भी चाहिए। ओके, अविक, अविक को सर्कल चाहिए यहाँ पे। रॉकी डायरेक्टली क्वेश्चन तो बेटा इसके ऊपर आएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे आगे चल के। आपको बहुत सारे जो यहाँ पे फंडे पढ़ने हैं इंक्लूडिंग सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन के, उसके अंदर आपको इनको लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज इक्वेशंस, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप से बच्चों इक्वेशंस रिलेटेड हो सकती हैं। पहला वाला तो हमने डिराइव करके देख लिया ऑलरेडी कि हाउ एक्स एंड वाई कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश। आप इनको क्या कर सकते हो, साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डैश कंसिडरिंग दिस एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, कॉस से, ऊपर वाले को, नीचे वाले को साइन से, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक्स डैश इंडिपेंडेंट आ जाएगा और उसका वैल्यू निकल आएगा आपके पास में, जो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे आप वाई डैश का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ऊपर वाला फॉर्मेट यूज़ करके मदद मिल रही है या नीचे वाला फॉर्मेट यूज़ करके मदद मिल रही है, ऐसा आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ऐश्वर्य बेटा ये तो टॉपिक हमारे कब के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट। लेट मी जस्ट रिमाइंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसके बाद में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड और भी बहुत सारे हो गए यार, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके 12th के कंप्लीट हो चुके हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, और सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे इंक्लूडिंग द क्विजेस दैट वी हैव टेकन ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है। सो मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट, है ना, उसके बाद में यहाँ पर हम आगे डिस्कशन डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ में। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द पॉइंट पी हैज न्यू कोऑर्डिनेट्स, नए वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2√2, √2 हैं, देन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जल्दी बताओ। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है सबको? नीट सिलेबस बेटा स्लो नहीं है, नीट सिलेबस भी बहुत फास्ट है। अगर आप अनअकैडमी नीट की बात कर रहे हो तो नीट सिलेबस भी बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन वो स्टार्ट ही लेट हुआ है चैनल, ठीक है। सो मेक श्योर टू सी कि यहाँ पर कितने टाइम में यहाँ पर आपको कंटेंट डिलीवर किया गया है, क्योंकि रोज़ कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो ये जो स्पीड है इससे तेज़ और किसी चैनल पर स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। मेक श्योर टू नो दिस,
है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं कंटेंट को लेके। तो यहाँ पर बच्चों ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा, ये तो बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नए वाले कोऑर्डिनेट जो है वो 2√2, √2 है, मतलब आपके पास क्या है, एक्स डैश का वैल्यू है आपके पास में और वाई डैश का वैल्यू है आपके पास में। क्या पूछा है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, मतलब आपको एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है, ऐसा पूछा है। और क्या दिया है कि एक्सिस को रोटेट कितने से किया है, 45 डिग्री से, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री है, जल्दी से वैल्यू डालो और आंसर बताओ कितना आएगा। ए आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों को सी आंसर आ रहा है, ओहो फिर तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x = x डैश cos थीटा एंड माइनस y डैश sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एक करके वैल्यू डाल देता हूं आप लोगों के लिए। x डैश का वैल्यू यहां से उठा लो 2√2, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, माइनस कितना करना है y डैश मतलब √2, साइन थीटा मतलब 1/√2, √2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 बच रहा है, √2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 1 मुझे एक्चुअली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं रिस्क ले लेता हूँ और वाई कैलकुलेट किए बिना मार्क कर देता हूँ। लेकिन एक बार वाई भी कैलकुलेट करना चाहो तो कोई गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर देख लो कितना आएगा। वाई के लिए क्या करेंगे हम, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ठीक है, एक एक करके अगर मैं वैल्यू डालूंगा इसके अंदर तो कितना आना चाहिए, मेरे पास चेंज क्या हुआ है, केवल बीच में प्लस का साइन आ गया, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यूज तो इक्वली आने वाली है, तो इस बार कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट है ऐसा बता रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर बच्चों इसी के साथ में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, इसी के साथ में हमने स्ट्रेट लाइंस का हर एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक एक देखने में दिक्कत आ रही है, आपको और क्या मिलता है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में हर लेक्चर के नोट्स मिलते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो आप उनको डाउनलोड करो, जल्दी जल्दी आप उन PDF से गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपको अगर बीच में कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन एक्चुअली ओपन दैट पर्टिकुलर वीडियो एट दैट टाइम एंड सी कि उस क्वेश्चन को हमने कैसे डिस्कस किया है या फिर उस कंसेप्ट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग actually a lot of things to you, आप अगर उसका अच्छे से use करना जानते हो then it will be most helpful for you guys। ठीक है, तो इसी के साथ में बच्चों I would like to end my session here। ठीक है, कुछ आप अपने questions करते रहना, ठीक है, questions का कोई end नहीं होता, लेकिन यहाँ पर और एक important information आप सभी बच्चों के लिए कि अगर आप यहाँ पर try करना चाहते हो then you should try an academy प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि आप अपनी तैयारी को अगले लेवल पे ले जा रहे हो। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं वैसी फैसिलिटीज़ आपने और कहीं नहीं देखी होगी। आपके साथ में टीचर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, आपको केवल एक टीचर नहीं मल्टीपल टीचर्स के साथ में डिस्कशन का मौका मिलता है, और साथ ही साथ वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। आपके बच्चों अब 4-5 ही महीने बचे हैं, ठीक है, मेक श्योर दैट यू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स। जितना टेस्ट आप दोगे उतना ज़्यादा आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, उस एनालिसिस के बाद में आप आगे बढ़ के उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करोगे ना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच गए, तो आप इंप्रूवमेंट किस चीज़ का करोगे। सो दैट्स वाई टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर 6 महीने या फिर 12 महीने या फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू कैन ऑलवेज यूज JEE लाइव कोड विच गिव्स यू एडिशनल 10% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारे उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हम टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ऑलरेडी हमारा ट्यूनिंग बैठा हुआ है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी वेरी कन्वीनियंट टू मूव ऑन टू सम अनदर प्लेटफॉर्म बट बी विद द सेम टीचर्स। ठीक है, सो दैट इज अ बिग बेनिफिट हियर। ऑलराइट, तो बच्चों अगर आप JEE लाइव कोड यूज़ करते हो, आपका जो यहाँ पर कॉस्ट हो जाता है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, एक साल का, दैट इज अराउंड 50-60 रुपीज, विच इज क्वाइट लेस। इतना तो मेरे ख्याल से बच्चों आपका एक दिन में ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो जाएगा अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हो पढ़ाई करने के लिए। और प्लस यहां पर अच्छी बात क्या है कि इसके अलावा अब आपको एडिशनल कुछ भी फीस पे नहीं करनी है, कब तक, जब तक आप एडवांस क्लियर नहीं कर लोगे तब तक। ठीक है, सो दोज आर फ्यू एडवांटेजेस विच आई थिंक एवरीबडी शुड नो, दैट्स वाई वी कीप ऑन इटरेटिंग दीज थिंग्स, है ना, ये वाकई आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों आप हमारे साथ डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पर तो जुड़े रह ही सकते हो, हमारे यहाँ पर फैमिली जो है वो बहुत ही जल्दी से बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो आप भी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं उसके साथ साथ हम क्विजेस लेते रहते हैं, मोटिवेशनल सेशंस लेते रहते हैं, गाइडेंस सेशंस लेते रहते हैं। सो मेक श्योर टू एक्चुअली अटेंड ऑल ऑफ दोज सेशंस फॉर योर
प्रिपरेशन, ठीक है. सो अनअकैडमी जेई चैनल इज वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी वांट टू सब्सक्राइब, ठीक है. नोट्स जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. डू डाउनलोड द नोट्स एंड कीप देम विथ यू फॉर क्विक रिवीजन. और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो है अब महंगा नहीं रहा है, क्वालिटी एजुकेशन अब अफोर्डेबल हो चुका है और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे तो फ्री हो चुका है, ठीक है. सो दैट इज वॉट वी आर एमिंग फॉर, दैट इज वॉट इज अवर मिशन. सो डू स्प्रेड द वर्ड, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ योर कलीग्स, शेयर इट विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से पूरा जो ग्रुप है उनके साथ पढ़ने का मौका मिले, ठीक है. दोस्तों के साथ आप जितना पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, ठीक है. ग्रुप स्टडीज यहाँ पे हो सकता है, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी करते होंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई विल एंड माय क्लास हियर. लेकिन कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में. अब वो नया टॉपिक कौन सा होगा, यस कल पता चल जाएगा आपको, ठीक है. अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय.